खमंग निशा, कैसे हो आप सभी लोग। मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो आज का वीडियो होने वाला है एक हैक्स काइंड ऑफ वीडियो। आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कुछ राजपूती ड्रेसेस के साथ मिक्स मैच नहीं होने वाली चीज़ें, मतलब जो दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, आप प्रेजेंटेबल नहीं लगते हो। वो सारा अगर पॉइंट आप देख लेते हो तो आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको 2019 की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर काफ़ी सारे राजपूती हैक्स मैंने सारे वीडियो डाले हुए हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। 2020 की प्लेलिस्ट मैं ज़रूर बनाऊंगी आगे जब मेरे सारे हैक्स के वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। DIYs एंड मेकअप से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो डुक्सा क्रिएशन पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। अभी हैक्स के वीडियो जल्दी से मैं स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहला जो मेरा सजेशन या हैक जाने वाला है नंबर वन पे, वो जाएगा मांग टीका को लेकर के। राजपूती अभी ड्रेसिंग में मांग टीका बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है पिछले 1-2 साल से, जितना मैंने देखा है। तो 1-2 साल में क्या हो रहा है कि हम मांग टीका, हमें पता तो है कि ट्रेंड में चल रहा है, हम जस्ट लगा लेते हैं, बट मांग टीके के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बाल खुले हैं, अपना पल्लू नीचे है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, मांग टीका लग रहा है कि नहीं लग रहा, बट यहाँ पे मैंने घूंघट ले लिया है, अच्छा लग रहा है बट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है जितना ज़्यादा अच्छा एक रखड़ी सिसपुल लगती है अपनी ड्रेस पे। मैं आपको आगे रखड़ी सिसपुल का लुक भी दिखाऊंगी। ये मांग टीका है वो खुले बालों में बाइसा वाले लुक में, प्लस जब भी पल्लू अपने सर तक रहे तभी ही अच्छा लगता है, बट फुल पल्लू ले लेते हैं, फुल घूंघट ले लेते हैं सॉरी, उस टाइम अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने लगा ली है रखड़ी सिसपुल, तो अब आप देख ही पा रहे हो कि रखड़ी सिसपुल के साथ में मैं जैसे ही घूंघट लेती हूँ तो और ज़्यादा अच्छा निखर के आता है जो भी राजपूती लुक आता है। तो देख ही पा रहे कि कितना डिफरेंस है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो मैंने दोनों चीज़ें आपको करके भी दिखा दी और जो मुझे फील होता है, जिसके अंदर मेरी ये वाली ओढ़नी जो है वो बिल्कुल भी हेवी नहीं है। हेवी पोशाक के साथ में तो ये लुक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, हेवी पोशाक हो जाती है, साथ ही में मांग टीका छोटा सा ऐसे दबके से रह जाता है, इतना उठ के नहीं आता है जितना अच्छे से रखड़ी आती है। तो जब भी आप मांग टीका वेयर करो, एक बार प्रैक्टिस करके पहले लगा कर देख लो कि आपकी ड्रेसिंग के साथ में कैसा जा रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये चीज़। सेकेंड जो मेरा हैक रहेगा वो रहेगा ज्वेलरी को लेकर के। हमारे पास काफ़ी सारी ज्वेलरी आजकल तो आर्टिफिशियल भी खूब पहनते हैं हम, ये भी पहन लिया, वो भी पहन लिया, इतना भी पहन लिया, इतना भी पहन लिया, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सिंपल सोबर चीज़ें, मिनिमम चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। आड़ भी पहन ली, गले में भी पहन लिया, उसके ऊपर रानी हार भी पहन लिया, बिल्कुल भी ना पहने। ओवर ज्वेलरी बिल्कुल ना करें, मिनिमम हो सके उतनी कम ज्वेलरी रखें, ज़्यादा अच्छे लगोगे। यहाँ पर मैं आपको नथ भी पहन के दिखा रही हूँ। सेकेंड चीज़ इसी में ऐड कर रही हूँ, जैसे मेरी ड्रेस है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसके साथ में आड़ या फिर नथ या फिर हेवी ज्वेलरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो वो बिल्कुल ना करें। पोशाक के साथ या फिर कोई अलग जब हो तभी ही आप हेवी ज्वेलरी पहनो, सिंपल ड्रेस के साथ सिंपल ज्वेलरी, हेवी ड्रेस के साथ हेवी ज्वेलरी, ऐसा आप मिक्स मैच करो, अदरवाइज आपका ऑल ओवर लुक बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, जैसी ड्रेस वैसी ज्वेलरी। थर्ड है शायद ये हैक है चूड़े को लेकर के। सेम ज्वेलरी वाला ही पार्ट यहाँ पे मैं शेयर करूँगी कि चूड़ा जो घपचप आप खूब सारा पहन लो वो वाला बिल्कुल मत करो, मिक्स मैच जो करते हैं ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सिंपल सोबर आप चूड़ा रखे, 1-2 चूड़ियाँ ऐड कर सकते हो अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग, बट ये नहीं है कि खूब सारा उसके अंदर मैच कर दो, क्योंकि खूब सारा अपने पास रखा हुआ है, तो वो बिल्कुल ना करें। जितना कम मिनिमम और सिंपल सोबर चूड़ा रखोगे उतना ही अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वन जो है वो है खांसली को लेकर के, जो पर्सनली मुझे नहीं पसंद है। जी मैं खुद बहुत अजीब लग रही हूँ, मेरे को खुद को अच्छा नहीं लग रहा है, इतनी सी क्लिप मैंने ऐड की है। जितनी ज़्यादा बाजू आपकी कोहनी तक रहेगी, नीची भी नहीं होनी चाहिए बट ऊंची तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं भी कितनी भी फैशन चल रही हो, कितनी भी गर्मी का टाइम हो, कुछ भी हो, बाजू 2 अंगुली भी ऊंचे ना करवाएं, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अपनी कांसली की बाजू ऑल ओवर आपकी लुक, आपकी ड्रेस बहुत गलत कर देती है, गंदा कर देती है। सो मेरी कुछ ड्रेसेस की बाय मिस्टेक या फिर किसी भी रीज़न से थोड़ा बहुत भी ऊपर वो मैं पहनना भी पसंद नहीं करती, स्पेशली जिनके लंबे हाथ हैं मेरी तरह, वो तो स्पेशल ध्यान रखें कि कोहनी तक एटलीस्ट, और कोहनी तक नहीं हो तो मतलब कोहनी तक तो हो ही जितनी मेरी है। ओके सो ये है लास्ट जो कि मेरा सजेशन या हैक, जो भी आप बोलो। कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, जैसे अपना लहंगा होता है, बहुत सारे लोगों को पता होंगे एंड सारे हैक्स बहुत सारे लोगों को पता होंगे, बट जो भी न्यूली वेड उनके लिए होगा, दोनों साइड में ही आप बांधे, जब भी लहंगा बांधे बीच में कभी भी ना रखे जहाँ पे पटली रहती है। आई थिंक अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि या तो लेफ्ट साइड में रखिए अपना जो भी नाड़ा और लहंगे का साइड रहता है, या फिर राइट में रखिए, बीच में कभी भी मत रखिएगा क्योंकि वहाँ पर पटली भी आती है, दिखने में भी अच्छा नहीं लगता और ऑल ओवर आपका लुक तो खैर जाएगा
ही जाएगा, पटली के पास बहुत मोटा मोटा पेट सा अजीब सा हो जाएगा, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो बस ये था आज का वीडियो, जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ छोटे मोटे सजेशंस या हैक शेयर किए हैं, जो कि है तो बहुत ही ज़्यादा छोटे बट बहुत काम की चीज़ है। जैसे मैंने धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखी है, उसी तरह मेरी तरह कोई न्यूली वेड है जिसकी मे भी हेल्प हो जाए। आप में से बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें पता होगी, तो उनके लिए नहीं है, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है। मुझे खुद पर्सनली नहीं पता थी, धीरे धीरे मैंने चीज़ें हैं जो ऑब्जर्व की है, देखी है कि अच्छा ऐसा भी होता है, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर की है। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आ जाता है, आपको टच कर जाता है, मेरी मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ डू लाइक करना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए खमा गनीसा।